वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुलकंद आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा किलो दूध। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसी दूध के अंदर से एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच दूध निकाल लेना है। अभी ये दूध गर्म नहीं किया हुआ है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, ये आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएगा। 2 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर आपको इसके अंदर ऐड करना है। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप इसको एक साइड पे अभी रख दीजिए। इसके बाद में क्या करना है, आधा किलो दूध को गर्म करने के लिए रखना है और उसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देना है, 1 छोटा सा चम्मच इलायची पाउडर। फिर ताकि जो है दूध गर्म होता जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। फिर मैं यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। अब हमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही दूध हमारा गर्म हो जाएगा, हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे गुलकंद। तो गुलकंद जो आप इधर चम्मच देख रहे हैं, ये तकरीबन 3 चम्मच गुलकंद है, तो हम इसमें गुलकंद डाल रहे हैं। इसमें जो है मैंने चीनी बिल्कुल नहीं डाली है, क्योंकि गुलकंद मीठा होता है और आगे भी जो मैं डालने वाली हूँ वो भी मीठा होता है, तो हमें इसके अंदर चीनी जो है वो नहीं डालनी है। इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। 5 मिनट पक जाने के बाद में हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने तैयार करके रखा है वो हमें इसके अंदर धीरे धीरे डाल देना है। फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 मिनट और पकाना है। इसके बाद में हमें इसे गैस से उतार लेना है और इसको ठंडा कर लेना है, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं होने पाए। फिर हम इसमें थोड़ा सा रूह अफजा डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच रूह अफजा डाला है, 1 छोटा सा चम्मच। फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अभी हल्का हल्का सा गर्म था। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम बनने वाली है, एक बार आप इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। फिर जैसे ही जो है ये ठंडा हो गया, हमने क्या किया, इसको अपने कप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद में हमें इसको कवर करके फ्रिज के अंदर रख देना है। तो मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर से इसको कवर कर लिया था और तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था। आपको एकदम इसको जो है वो जमाना नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की जम जाए उतनी ही। फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारी जो टेस्टी सी गुलकंद आइसक्रीम है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर जो है और अपने मन से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये खाने में और भी टेस्टी लगे। वैसे ये वाली आइसक्रीम अभी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन इसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे जेम्स ले लिए। इससे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा गुलकंद भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसके बाद में मेरे पास हर्षीज सिरप का पाउच था, उससे भी थोड़ा सा मैंने जो है इसको गार्निश कर लिया। उसके बाद में ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम आप खाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड न्यू है तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।